हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। मैं जीपीसी धौलपुर में इलेक्ट्रिकल विभाग में प्रवक्ता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे बोडे प्लॉट्स का केस 6। केस 5 तक हम पढ़ चुके हैं। केस 6 है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, द्वितीय क्रम तंत्र के लिए बोडे प्लॉट। हम जानते हैं कि द्वितीय तंत्र निकाय, द्वितीय क्रम तंत्र की जो ट्रांसफर फलन आता है वो आता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यह जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फलन है। तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। बोडे प्लॉट के लिए सबसे पहले एस बराबर जे ओमेगा पुट करेंगे, जा वक्र ट्रांसफर फलन जी जे ओमेगा प्राप्त करेंगे, वो होगा ओमेगा एन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जे ओमेगा स्क्वायर इज माइनस स्क्वायर, जे स्क्वायर बराबर -1। तो ये मिलेगा हमें ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखने पर ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा ओमेगा एन स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर बचेगा 1, नीचे 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा प्लस जे 2 जीटा ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन। अब इसका हम डेसिबल में परिमाण निकालेंगे। डेसिबल में परिमाण निकालने के लिए 20 log to the base 10 मॉडुलस ऑफ जे ओमेगा बराबर 20 log to the base 10 मॉडुलस ऑफ दिस पार्ट 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ये बनेगा -20 log to the base 10 रूट वास्तविक पार्ट का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब हम मानते हैं कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन बराबर यू। सरलीकरण के लिए हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को मान लेंगे यू, इसलिए यह मिलेगा 20 log to the base 10 मॉडुलस ऑफ जी जे ओमेगा बराबर एम। डेसिबल में परिमाण को हम एम से डिनोट करेंगे बराबर -20 log to the base 10 रूट 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू इज ओमेगा अपॉन ओमेगा एन प्लस 4 जीटा स्क्वायर यू स्क्वायर। यह हमें दो स्थितियाँ निम्न प्रकार प्राप्त होंगी, क्योंकि m के हमें दो भाग प्राप्त होंगे। एसिम्प्टोटिक वक्र यानी अनंत स्पर्शीय वक्र के हमें दो भाग प्राप्त होंगे। वो हमें पैसे प्राप्त होंगे अगर u 1 से बहुत कम है, इफ u less than 1। हम मान के चलें कि u 1 से बहुत कम है, तो u का स्क्वायर 1 से बहुत कम होगा, इसलिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इस पार्ट को, तो यू स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा सिर्फ 1। ये पार्ट भी नेगलेक्ट हो जाएगा और ये यू स्क्वायर भी नेगलेक्ट होगा, तो बचेगा सिर्फ 1। तो -20 log to the base 10 √1 log 1 इज 0, ये मिलेगा हमें 0 dB। अब अगर यू greater than 1 हो, यू की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन greater than 1, क्योंकि यू को हमने माना था ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, तो m मिल जाएगा -20 log to the base 10 √u² का होल स्क्वायर, और मिल जाएगा -20 log 10 u² जो मिल जाएगा -40 log to the base 10 u। तो यह होगी -40 dB/dekade वाली सरल रेखा होगी, यह है -40 dB/dekade वाली सरल रेखा होगी जो कि बिंदु U से गुजरती है, U बराबर 1 से गुजरती है, क्योंकि U बराबर 1 पर 0 मिलेगा, 0 डेसिबल लाइन पर। इस प्रकार यह है अनंत स्पर्शी यानी असिम्प्टोटिक वक्र दो भाग रखेगा। एक तो M बराबर 0 होगा U less than 1 के लिए, U greater than 1 के लिए M होगा -40 log to the base 10 u। अब हम कलाकोण वक्र देखेंगे। कलाकोण वक्र के लिए फाई हमारा निकलेगा एंगल जी जे ओमेगा -10 inverse 2 जीटा यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर।
यू की बहुत छोटी वैल्यू के लिए यू स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो यू स्क्वायर बहुत छोटा होगा वन के कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए नीचे रह जाएगा वन, तो फाइव रह जाएगा माइनस टेन इनवर्स टू जीटा यू, माइनस टेन इनवर्स टू जीटा यू। और यू की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए यू स्क्वायर ग्रेटर देन वन, तो फाइव मिल जाएगा हमें, नीचे बचेगा माइनस यू स्क्वायर, माइनस बाहर आ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और यू स्क्वायर यू की पावर एक से ये यू स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ यू, तो फाइव बराबर प्लस टेन इनवर्स टू जीटा अपॉन में यू, और यू बराबर वन होगा तो फाइव होगा, यू बराबर वन रखने पर नीचे मिलेगा हमें जीरो, ये मिलेगा इनफाइनाइट, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री। तो अब हम बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे। बोडे प्लॉट ड्रॉ करने के लिए पहले हम एम वर्सेस लॉग ओमेगा ग्राफ बनाते हैं। तो शुरुआत में ये जीरो डेसिबल है अप टू यू बराबर वन, और बाद में ये है वक्र मिलता है माइनस 40 डीबी पर डिकेड वाली सरल रेखा। इसी तरीके से यह कलाकोण वक्र इस तरह से हमें प्राप्त होगा यू के अलग अलग वैल्यू के लिए। इससे अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।